वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर से वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने प्रोग्राम के शुरू में कि आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी ब्यूटिशियन होंगी, तो मैं आप लोगों को देर ना करते हुए उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सायरा, अस्सलाम वालेकुम। सायरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा को माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप लोग भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शी इज़ रनिंग वेरी ब्यूटीफुल सलून, बहुत अच्छा सलून रन कर रही हैं ये माशाल्लाह से। और क्या जी, बाजीज ब्यूटी पार्लर के नाम से। और कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और कैसा गुजर रहा है आजकल? तो वेकेशंस हैं, शादियों के सीज़न है। आजकल तो सीज़न है, आजकल निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं जी। मैं इंशाल्लाह 4 बजे तक घर वहाँ पार्लर पहुँच जाऊँगी जी, जी तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आपकी रिहाइश भी वहीं करीब में है? हाँ बिल्कुल, वहीं करीब में, लेकिन इतना नियरेस्ट नहीं है, 10 to 15 मिनट्स। चलें, फिर भी ये कि आप थोड़ा सा अपने घर को भी टच कर सकती हैं बीच में अगर चाहती होंगी। हाँ, कोई हाँ, काम बिल्कुल, के दौरान बिल्कुल। अच्छा, और सुनाइए कि क्या आजकल बेसिक प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं ख्वातीन के हवाले से, स्किन के लिए परेशान हाँ, हो ये रही होंगी बहुत ज़्यादातर? प्यारा सवाल है आपका कि क्या चल रहा है आजकल। फेस जिसको देखो वो कहते हैं फेस पे चिपचिपी सी फील होती है, ग्रीसी हो रहा होता है फेस, जिसकी वजह से ख्वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, मेकअप करने में प्रॉब्लम होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए मैं बहुत आसान और बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी टिप देना चाहूँगी। अगर आपको मेकअप करना है और आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप फिटकरी का पानी, आप एक पिंच, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फिटकरी डाल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाएगी आपके फेस पे, और मे बी अगर बहुत ज़्यादा आप फिटकरी यूज़ कर लें तो आपके फेस पर एक खरोंच सी आती है, वो आ जाए नेक्स्ट डे, उस वक्त तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे आपके फेस थोड़ा सा ड्राइनेस तो की तरफ चला ये जाएगा। हल्की सी क्लेंजिंग कर लें रात में, क्लेंजिंग कर लें, लेकिन ऐसे आप मिस्टेक करें नहीं ना, हल्का सा फिटकरी शामिल यानी करके पाउडर बना के रख लें थोड़ी सी फिटकरी का, बिल्कुल कर, एक पिंच, और जैसे एक पिंच एक चींटी बराबर जी जी बिल्कुल इतने से एक वो ऐड करें पानी में, पानी में ऐड करें, एक पानी से मोड़ लें, पानी में ऐड करें एक पिंच है तो, या कितना रोज वाटर में अगर करें? नहीं 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 रोज वाटर में नहीं, सिंपल प्लेन वाटर। अच्छा, प्लेन वाटर में आपने एक पिंच इसमें ऐड किया और उससे पानी, ऐसी सिंपल, कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करना है, कोई सोप यूज़ नहीं करना। अच्छा। आपने सिंपल रिंस आउट करना है और आपका फेस इस तरह हो जाएगा कि आप उसके ऊपर इजीली मेकअप कर सकते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी टिप दी और यकीनन आप लोगों ने नोट करी होगी ये टिप। और अगर ये थोड़ा सा आप एहतियात इसमें ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आप लेमन ऐड करना चाहें तो उसमें एहतियात की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप पानी में, अपने पानी में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक लेमन ऐड करें, हाफ करें, 1/4 करें, स्किन के हवाले से और फेस के हवाले से, जितना अगर बड़ा चेहरा है, बाज़ दफ़ा ख़वातीन के काफ़ी बड़े चेहरे होते हैं तो नहीं, ये मजाक की बात नहीं, सीरियस बात है कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो है वो देखा है बहुत ब्रॉड फेसेस होते हैं, और कुछ लड़कियां जो है बहुत पतले फेस की होती हैं, उन पे आपको एक, अगर आप फेशियल करती हैं तो आपको भी ये चीज़ पता होगी, जो अगर बड़े ब्रॉड फेस पे फेशियल करने का एक अलग मजा होता है, और जो छोटे फेसेस होते हैं उन पे बड़ी मुश्किल होती है कि कहाँ पे हाथ पे ही चुभ रही होती है। सही कह रही है, तो इसलिए एक ऐसी बात हो गई। चलें, अपनी थोड़ी सी रेसिपी की तरफ भी आते हैं, थोड़ा सा मैरिनेशन का काम है आज। सायरा, हम बारबेक्यू शाशलिक बना रहे हैं, फिश शाशलिक। ओह गुड, तो उसकी थोड़ी सी मैरिनेशन कर लेते हैं ताकि आपसे बातों के दौरान जो है ये मैरिनेशन टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। हमारे पास मौजूद है दही, जो कि हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो लेंगे, बस 4 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ले लिया है दही। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो लेंगे। इसके बाद हमारे पास है लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी हम ये डालेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच, लेमन जूस डालेंगे 2 से 3 खाने के चमचे, ब्लैक पेपर डालेंगे
ये मुझे पर्सनली बहुत इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी सी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्रश ब्लैक पेपर। साथ में हम सॉल्ट भी डालेंगे। सॉल्ट हमेशा मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ ताकि जो है खानों का जायका जो है वो अच्छा आ सके। उसके बाद इस पूरे मिक्सचर को हम मिक्स कर देंगे। और हमारी जो फिश है, हाफ के जी हमने क्यूब कट जो है वो फिश ली है, ये मैं आपको दिखा दूँ, क्यूब कट हमने फिश ली है वो हम इसमें डाल देंगे। आप इसकी जगह चिकन भी ले सकती हैं और प्रॉन भी ले सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पाइसेस जो हमने यूज़ किए हैं, इसका बैटर जो बनाया है मिक्सचर वो सेम रहेगा, और जो चिकन आप ये ले सकती हैं या फिश जो भी आप लेना चाहें वो ले सकती हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और अब हम आते हैं गेस्ट की तरफ। थोड़ा सा इसकी मैरिनेशन तो हो गई है कंप्लीट, इसको हम साइड पे रखते हैं और जब तक मैं कटिंग करूँगी थोड़ा सा आज मैं गेस्ट से जो है पूछती हूँ, सायरा जो है इनसे मैं बात करती हूँ। सायरा अभी हम लोग, आप सुन रही होंगी प्रोग्राम हमारा, तो आपने सुना होगा कि हम आज लड़कियों के हवाले से बात कर रहे हैं जो बहुत कम एज में डाइटिंग शुरू कर देती हैं। तो आपके सलून में भी माशाल्लाह आती होंगी लड़कियां ऐसी जो बहुत जो है डाइट कॉन्शियस होती हैं, स्किन के हवाले से भी परेशान होती हैं, तो क्या आप उनको रेमेडीज़ वगैरह कुछ आपके पास भी होंगी यकीनन, आप क्या बताती हैं, कुछ शेयर करें? शेयर में इस टॉपिक को ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि आजकल डाइटिंग की वजह से बालों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हेयर फॉल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, जिसको देखो वो एक ही टॉपिक होता है, उसके बाद मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे बाल ड्राई हो गए हैं, मेरे यानी बालों ही का टॉपिक होता है कि बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, स्किन बहुत डैमेज हो रही है। अच्छा, तो इसके लिए मैं अभी फिश देख कर मेरे जहन में आया कि फिश इतनी प्यारी अल्लाह ताला की नेमत है, वैसे तो अल्लाह ताला की हर नेमत ही लाजवाब है, लेकिन फिश जो है एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जो अगर आप लेते हैं, इनटेक में लेते हैं, तो आपके बालों का प्रॉब्लम कभी नहीं होता। अच्छा सायरा, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, एक कॉल है हमारे साथ, कॉल भी मिस ना हो जाए, बहुत लोग हमें जो है वो कॉल्स करते हैं ताकि पूछ सकें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? मैं सबा बात कर रही हूँ। जी सबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रही हैं सबा? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा सबा, लाहौर से बात कर रही हैं, कहिए क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के हवाले से? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मुझे चाहिए डाइट प्लान चाहिए आप। अच्छा डाइट प्लान चाहिए, तो फिर आप अपनी एज बताइए, हाइट बताइए। मेरी एज 25 है। अच्छा, और हाइट? हाइट मेरी 6'5" है। 6'5" है, 6'5" वेट में जी, माशाल्लाह। फिर तो आप अंडर वेट हो गई अगर आपका 82 वजन है तो। अच्छा, 5'6" भी वैसे अच्छी हाइट है, अमूमन लड़कियों की इतनी हाइट भी नहीं होती हमारे यहाँ, तो आपका 80 kg अच्छा वेट है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा 82 kg वेट है आपका, आपको बहुत ज़्यादा भी मेरे ख्याल से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह हम आपको डाइट प्लान भेज देंगे। आप अपना एड्रेस जो है वो कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए। अच्छा, जी मुझे अपने स्किन के बारे में भी पूछना था, जब ब्यूटिशियन आई है ना इनसे। जी जी पूछिए, ये सुन रही हैं आपको, आप पूछ सकती हैं इनसे, पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। अभी गर्मियाँ हैं, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो आपकी स्किन ऑयली है क्या? हाँ जी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन के लिए अभी मैंने जैसे बताया फिटकरी, फिटकरी के पानी से आप अगर फेस वॉश करेंगी तो ऑयल कंट्रोल में रहेगा आपके, और इससे आपके डार्क स्पॉट जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी एक्नी भी नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ फेशियल्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो अपने किसी करीबी सैलून से जाकर ले सकती हैं, लेकिन ये फिटकरी वाला जो फिटकरी की टिप है ये बहुत अच्छी है, इसको भी यूज़ कर सकती हैं और इसमें लेमन भी यूज़ कर सकती हैं। जी निशान पूछिए, निशान भी। हाँ फिटकरी के लिए तो अगर आपका कोई एक्नी आया आ गई है तो आप उसके ऊपर हल्की सी फिटकरी का एक ड्रॉप लें, कॉटन बर्ड से लगा दें और आप देखें कि वो वहीं पर ड्राई हो जाएगा। ये अमल रात में भी करके सो सकती हैं क्या? हाँ एनी टाइम कर सकती हैं क्योंकि उसका असर थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर वो पाउडर बन के खुद ही रिमूव हो जाएगा। अच्छा अच्छा
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, हमारा प्रोग्राम देखती रहिए जी। थैंक यू वेरी मच। आप हम लोग बात कर रहे थे फिश की। जी, फिश के हवाले से। फिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों जहन से निकल जाता है कि हमें फिश खानी चाहिए, कि शायद इसलिए कि ये कॉमन नहीं मिलती जी। और बात ये भी है कि लोगों को फिश की बाज दफा लोगों को मैंने देखा है पहचान भी नहीं होती, पहचान नहीं होती। अक्सर हम लेते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी फूल बन जाते हैं। फिश मछली वाले जो हैं वो अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि फिश जो है वो लोग इस्तेमाल मतलब इस वजह से नहीं करते कि उनको एक आध दफा धोखा हो गया है मछली मिलने में, इस वजह से जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करते। और ये कहते हैं मछली तो इतनी गंदी होती है, स्मेल आती है, जबकि अगर ताज़ा मछली होती है तो उसमें कभी भी स्मेल नहीं आती। और इसके लिए मैं अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि वो फिशिंग वगैरह जो है वो काफ़ी अपने लाइफ में पहले करते रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छी मछली की पहचान है। और जिन लोगों को मछली की पहचान होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है मछली ख़रीदते भी हैं और उन्हें पता भी होता है कि वो सही मछली ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मछली सही और ताज़ा हम लें। तो मछली में अगर स्टार्ट से स्मेल आ रही हो तो समझ जाएं कि वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और उसको प्रेस करके देखते हैं। हाँ, वो स्किन भी देखते हैं। और एक टाइम आ गया है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मजीद बातें कंटिन्यू करेंगे। सायरा खान हमारे साथ मौजूद हैं।